सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दुधती प्रोफेसर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी समेत दो गिरफ्तार। आपको बता दें कि सोनभद्र के दुधती कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीआरडी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर जगजीत सिंह हत्याकांड का हुआ खुलासा। सर क्या मामला है? और दुधी में 9:10 की रात्रि में एक अध्यापक जो बीआरडी डिग्री कॉलेज में रहते थे, उनकी हत्या उनके घर में हो गई थी, उसका अनावरण किया गया है। और उसमें हत्या में शामिल एक आरोपी हेमराज आज़ाद और जो अध्यापक थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बारे में दोनों जो एक्यूज हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है और ये बताया है कि जो अध्यापक थे उनकी अपनी पत्नी से रिश्ते बहुत ही ख़राब थे। ये बहुत लोगों से इन्होंने कर्ज ले रखा था और अपनी आय का सारा हिस्सा कर्ज चुकाने में और अन्य चीज़ों में खर्च करते थे, शराब के भी आदि थे, जिससे ये महिला बहुत कष्ट में थी और प्रताड़ना भी झेल रही थी। इसी बीच पिछले 2-3 वर्षों से ये हेमराज उर्फ आज़ाद है, उससे इनके निकट संबंध हो गए थे, वो भी आश्रम पद्धति स्कूल में अध्यापक है, और ये नज़दीकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। और ऐसे माहौल में इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि इनको कुछ खिला करके इनको बेहोश किया जाए और बाद में तकिए से मुंह दबा करके हत्या की जाए। और योजना के अनुसार ये जो आरोपी है उसने इनको नशे की दवा ला करके दी और घटना वाली रात इनकी पत्नी ने पराठे में उसको मिला दिया और सोते समय जब वो नशे की वजह से गहरी नींद में चले गए तो बाहर का दरवाज़ा खोल दिया और आरोपी आया। पहले तो उसने तकिए से दबा करके हत्या करने की कोशिश की, लेकिन जो अध्यापक थे वो जाग गए और जागने के बाद रेसिस्ट किया तो इसने अपने पास रखे हुए चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त आला कतल जिस मोबाइल नंबर से जो कि हेमराज द्वारा प्रोफेसर की पत्नी को दिया गया था, तो वो मोबाइल फ़ोन और इसके जो कपड़े आरोपी के, जहाँ इसने अपने खून से गले हुए कपड़े, सने हुए कपड़े जलाए थे, उसके अवशेष, उसके मोबाइल फ़ोन के जलाए हुए अवशेष, इन चीज़ों को बरामद किया गया है और इनको आज न्यायिक हिरासत में मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जा रहा है।